अस्सलामु अलैकुम प्यारी सिस्टर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और मारियाबी का बहुत ही खूबसूरत सा लॉन का ये सूट है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टिच हुआ हुआ है। चलते हैं सिस्टर, इसकी हम लोग स्टिच फॉर्म में आज हमारे पास ये आया हुआ है, तो चलते हैं सिस्टर इसको देखते हैं कि किस तरीके से हमारे टेलर ने इसको स्टिच किया हुआ है। सबसे पहले सिस्टर मैं आपको इस सूट की तस्वीर जो है वो आपको दिखा दूँ। जी हाँ सिस्टर, ये एक फ्रॉक स्टाइल में बना हुआ है और नीचे से चूड़ीदार पजामा है और यहाँ पर इसका नंबर है मारियाबी लॉन का, ये डिज़ाइन नंबर 1B है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी इसका खूबसूरत सा गोल में गुलाई में कटा हुआ ये गला जो है, यहाँ पे मैं आपको वो दिखा रही हूँ। ऊपर से मैं आपको डोरी पाइपिंग भी जो है, जी हाँ, नीट एंड क्लीन डोरी पाइपिंग, यहाँ तक यहाँ पे जो पट्टी आ रही है इसके अंदर, नेक की पट्टी आ रही है, इसके अंदर भी जो है वो यहाँ पर प्लेसिंग की हुई है इस डोरी पाइपिंग की। इसके अलावा सिस्टर अगर आप देखें तो इसमें बड़ी ही खूबसूरती के साथ जो है बहुत ही बारीकी से जो है इसकी साइड की सिलाइयाँ जो हैं वो यहाँ पे की हुई हैं, ताकि ये खूबसूरत सा गला पट्टी जो आ रही है, नेक पट्टी जो आ रही है, ये बहुत ही प्यारी सी लगे। अच्छा, यहाँ पे साथ ही साथ में यहाँ पे ये खूबसूरत से नग जो हैं वो यहाँ पे प्लेसिंग की गई है, एक बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे तीन जो है खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर ये बटन्स लगाए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि सिस्टर आपको पता ही है कि ये एक लॉन का सूट है, मारियाबी लॉन का ये खूबसूरत सा सूट है। इसमें ये सारे जो छोटी छोटी चीज़ें देख रही हैं ये सब की सब प्रिंटेड हैं। इसमें जो कैरियाँ आ रही हैं नीचे की साइड पे, जी हाँ, ये भी प्रिंटेड यहाँ पे ही हमें मिली हुई हैं। डाउन साइड पर, इस डाउन साइड पर जो दामन है, दामन जो है सिस्टर यहाँ पर एम्ब्रॉयडर्ड है और सिस्टर आप यहाँ पे देख सकती हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ जो है हमारे टेलर ने इसको बहुत ही आराम से नफासत के साथ जो है ऊपर की साइड से ये इसको जोड़ा हुआ है। है तो लॉन्ग का कपड़ा, लेकिन यहाँ पे आप पिछले साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ और यहाँ पे आप लोग आराम से देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ एक एक पट्टी को जोड़ करके ये खूबसूरत सा दामन जो है वो तैयार किया गया है। अच्छा, दामन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सिस्टर्स यहाँ पर ये सारा कटवर्क भी जो है ये ऑलरेडी हमें मारियाबी की तरफ से ही कटवर्क होके मिला हुआ था। अब यहाँ पे डाउन साइड में इस कटवर्क के नीचे ये देखें खूबसूरत से, जी हाँ, बीज लगे हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे प्यारे और करीब करीब में ये बीज जो हैं वो प्लेसिंग की गई है। जी हाँ सिस्टर, जैसे कि सिस्टर आपको दिखाई दे रहा है कि फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से जो है ये बीज, नीचे के बीज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा फ्रंट एंड बैक का बॉर्डर भी जो है वो बिल्कुल सिमिलर फॉर्म में और सिमिलर फॉर्म में ही शर्ट भी जो है वो इसकी ऊपर जा रही है। इसके अलावा जो चाके हैं यहाँ पर सिस्टर, मैं वो भी आपको बताऊँ, ये देखिए चाकों के अंदर की जो चीज़ है वो भी यहाँ पे जो है पूरी तरीके से, पूरी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे ये सब चीज़ें बंद की हुई हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको सिस्टर इसकी आस्तीन दिखाऊं तो यहाँ पे सिस्टर आप लोग देख सकते हैं कि प्योर शिफॉन की इसकी आस्तीन्स हैं, जी हाँ, और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत से ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे से ये बीड्स लगे हुए हैं। ये एक एम्ब्रॉयडरी का पैच है जो कि डिफरेंट तरीके से यहाँ पे प्लेसिंग हुई हुई है अंदर की साइड पे, क्योंकि लॉन्ग का सूट है सिस्टर और शिफॉन की स्लीव्स है तो अंदर की साइड पे ये थोड़ा सा लॉन्ग का कपड़ा लगाया गया है ताकि अंडर आर्म्स वगैरह ना दिखाई दे। डाउन साइड पर जो इसकी स्लीव्स का कफ एरिया है इस पर भी आप देखें तो इस पर भी बड़े ही खूबसूरत तरीके से, बल्कि नाजुक तरीके से जो है वो यहाँ पर भी बीड्स जो हैं वो लगाए गए हैं। ये देखें खूबसूरत से बीड्स हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से, जी हाँ सिस्टर, ये कोई लेस वगैरह नहीं है, ये एक एक करके बीज को टका गया है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको इसका दुपट्टा भी जो है वो शो कर रही हूँ। इसका दुपट्टा जो है वो नेट का दुपट्टा है और इसके ऊपर भी बड़ी ही खूबसूरत, जैसे कि हमने देखा कि आस्तीन के ऊपर बंचेस बने हुए थे छोटे छोटे, तो यहाँ पर भी 3 इंच के ये बंचेस बने हुए हैं और यहाँ पर ये लॉन का जो है लॉन की डोरी पाइपिंग, जी हाँ, लॉन के कपड़े की डोरी पाइपिंग जो है वो यहाँ पे प्लेसिंग हुई है और साथ ही साथ में इस दुपट्टे के अंदर भी दोनों माथा पट्टी के अंदर जो है वो, ये देखिए दोनों माथा पट्टी के अंदर जो है ये खूबसूरत से बीड्स लगा करके बहुत ही प्यारे तरीके से इस दुपट्टे को बनाया गया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है सिस्टर्स। इसके अलावा इसका जो बैक एरिया है, बैक साइड का एरिया है, बैक साइड की चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे सिस्टर्स आपको ये देखें, देख के जान के खुशी होगी कि यहाँ पर भी ये पीछे से गोल राउंड गला बना हुआ है और फ्रंट एंड बैक, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिस्टर बिल्कुल फ्रंट एंड बैक जो है बिल्कुल सेम है, नेट का दुपट्टा है और डाउन साइड पर पल्लू की साइड पर भी ये देखिए
खूबसूरत से यहाँ पे भी बीड्स लगे हुए हैं, और डाउन साइड पर जो इसका बैक का एरिया है उसके अंदर भी यहाँ पे खूबसूरत से बीड्स लगा करके इसको कंप्लीट किया गया है। आखिरी चीज़ जो है सिस्टर मैं आपको दिखा रही हूँ वो है इसका खूबसूरत सा, जी हाँ, ट्राउज़र है। जी हाँ, नॉर्मल ट्राउज़र है सिस्टर, यहाँ पे कोई इसकी बड़ी सी गहराई नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल ट्राउज़र है, स्ट्रेट ट्राउज़र है। और यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ये प्रिंटेड लॉन का फैब्रिक जो है हमें मारियाबी की तरफ से जो है वो अवेलेबल था। और यहाँ पे ये जो ट्राउज़र बना हुआ है इसकी खूबसूरत क्वालिटी के हवाले से मैं आपसे बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है इसके अंदर भी दो लाइनें लगा करके और इसकी अंदरूनी सिलाइयों को सही तरीके से तरतीब दे करके बंद करके जो है खूबसूरती के साथ इसको भी तैयार किया गया है। थैंक यू सिस्टर्स फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो। तो सिस्टर्स, इस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए या मुझसे कॉन्टेक्ट के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर मैंने प्रोवाइड करके दिया है। कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो किसी भी सूट के बारे में, आप ज्वाइन लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके जरिए से आपको लेटेस्ट अपडेट वगैरह जरूर मिलेगी। सिस्टर्स, आप अपनी कीमती राय कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा, लाइक एंड शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ में सिस्टर्स, आप मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस आराम से हासिल हो सके। शुक्रिया सिस्टर्स, लेकिन मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।